बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक मैं भी पिछले दो साल पहले तक ये रेकमेंड करता था कि पढ़ लो पुरानी लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मत पढ़ो कारण बताता हूँ मेन्स आंसर राइटिंग कब शुरू करनी है उसमें एक बहुत बड़ा पेंच है देखिए मेन्स आंसर राइटिंग आइडियली आप नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निधि पाथ फाइंडर पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों जब हम तैयारी शुरू करते हैं अपनी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है उनमें से कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हिस्ट्री हिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रैटी होनी चाहिए क्या इसमें करना है क्या सोर्सेज होने चाहिए इस तरह की जो भी आपके क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट्स जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होते हैं एज एन एस्परेंट तो मैं यहाँ आपको रिप्रेजेंट करूँगी हमारे साथ हैं आज डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर सर जो कि पाथ पर हिस्ट्री पढ़ाते हैं किसी भी इंट्रोडक्शन uh, का मोहताज नहीं है आप सभी इनको जानते भी हैं आज सर इन सवालों के जवाब देंगे ये एक पूरी सीरीज है हमारी जहाँ पर हमने इन सभी टॉपिक्स को इंडिविजुअली कवर किया है स्पेसिफिक टीचर्स के साथ और यहाँ आप मुझे मानिए कि मैं आपके एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपके क्वेश्चन हम सर से पूछेंगे और सब सर उनके आंसर्स आज हमें करने वाले हैं सो स्वागत है सर आपका इस सीरीज में सर सबसे पहले हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है तो आ, कब इसकी शुरुआत करनी चाहिए तैयारी के लिए मतलब क्या एसपरेंट जो सोच रहा है तैयारी करने के बारे में शुरुआत में करें बीच में करें कहाँ से करें तैयारी कब से शुरू करें हिस्ट्री डेफिनेटली एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है इसके टोटल छः पार्ट हैं एंशंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर कई लोग आजकल आर्ट एंड कल्चर को एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं मैं नहीं करता मैं मानता हूँ कि वो हिस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है तो ये छह सब सब्जेक्ट्स हैं दे आर माइनर सब्जेक्ट्स इन टू तो छः सब्जेक्ट्स के साथ हिस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट सब्जेक्ट है यू प्रिपरेशन का और इसकी तैयारी में आपको समय लगेगा ये बात पहली बात अपने दिल में बिठा लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ने में आपको कम से कम कुछ महीने लगने वाले हैं मेरा मानना है कि हिस्ट्री शुरुआत में करनी चाहिए जब आप अपनी यूपीएससी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं तो हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं रीज़न बीइंग कि भारत के हर स्कूल में हर स्टेट बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में चाहे कहीं से भी आप पढ़े हो बेसिक हिस्ट्री आपने पढ़ी है अगर आपने टेंथ क्लास तक भी इतिहास पढ़ा है सोशल साइंस पढ़ा है तो आपको भारत के हिस्ट्री का एक बेसिक फ्रेमवर्क का आइडिया है ऐसा नहीं है कि आपके लिए सब कुछ लैटिन और फ्रेंच है यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक दूसरी बात अगर किसी ने हिस्ट्री में 11, ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन कर रखा है मान लीजिए आप बी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हिस्ट्री से स्टार्ट मत करो पहले आप दूसरे सब्जेक्ट्स करिए जो आपके कमज़ोर हैं आपको लगता है कि आप हिस्ट्री आसानी से कर सकते हैं कोई ज़्यादा गाइडेंस की आपको आवश्यकता नहीं है थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस चाहिए देन यू कैन शिफ्ट टू द लेटर पार्ट वरना मैं ये कहता हूँ कि स्टार्ट योर यू प्रिपरेशन एस विद हिस्ट्री एंड मे बी पॉलिटी जोग्रफी और इकानमी आइदर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स बट हिस्ट्री को अपने शुरुआती सब्जेक्ट में रखिए क्योंकि उसके बेसिस पर आप आगे आई उसके बेसिस पर आप आगे करंट अफेयर्स बहुत कुछ पढ़ पाएंगे बहुत कुछ जान पाएंगे और डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे इफ़ यू नो हिस्ट्री ये सर So, जैसे आपने बताया कि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और आपने इसके सब पार्ट्स भी बताए हैं तो सर इसका जो वेटेज रहा है या मेंस दोनों की बात करें, तो कितना रहा है का वेटेज, में, 100 के सवाल आते हैं उनमें से मिनिमम 14 या 15 सवाल आएंगे मैक्सिमम इट कैन गो अप टू मैक्सिमम अभी तक जो आए वो 22 सवाल आए हैं एवरेज अगर हम पिछले पांच साल का देखें तो बीस सवाल आ रहे हैं

ट ऑफ द एंटायर सिलेबस जो चार जीएस के पेपर हैं एक हजार मार्क्स का पेपर होते हैं सब मिलाकर उसमें से मिनिमम टेन परसेंट मैक्सिमम ट्वेल्व परसेंट प्रिलिम्स में अप टू ट्वेंटी परसेंट अराउंड ट्वेंटी परसेंट सिलबस आपका हिस्ट्री से आ रहा है तो वेटेज बहुत ज्यादा है हिस्ट्री का हाई वन ऑफ द हाइस्ट वेटेज है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पॉलिटी और लेट से जोग्राफी ये तीन से ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं इनको बिल्कुल और मुझे लगता है कि हिस्ट्री बहुत ही स्कोरिंग है क्योंकि हिस्ट्री में कुछ बदलता नहीं है <laughs> इतिहास में कुछ नहीं बदलता इतिहास वैसा का वैसा ही है लेकिन इतिहास में प्रश्न पूछने का पैटर्न जरूर बदल जाता है इतिहास को नहीं बदल सकते लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके को पिछले 20 सालों से बदल रहा है और वो बदलता रहेगा फ्यूचर में भी बदलता रहेगा तो और और कि कितना समय देना चाहिए तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरा इतिहास पढ़ने बैठे अगर आप डेली एक क्लास कर रहे हैं या फिर डेली आप दो तीन घंटे हिस्ट्री को दे रहे हैं तो भी आपको कम से कम तीन महीने फर्स्ट टाइम पढ़ने में लगेंगे मिनिमम तीन महीने चार महीने भी लग सकते हैं बहुत फास्ट है क्या आपको लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस की आवश्यकता है जिससे आप अपना सिविल सर्वेंट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं पिछले साल में अन अकेडमी के 333 प्लस लर्नर्स ने क्रैक किया है यूपीएससी सीएससी आप भी उन्हीं की तरह आई और आई बन सकते हैं तो आइए और हमारे साथ जुड़िए हमारे अग्निपथ बैच में जो शुरू हो रहा है तीन जुलाई ऐसी मेरा नाम है दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए बोध हिंदी मीडियम बैच ये जो बैचेज है हमारे ये बेहद अफोर्डेबल बैचेज है हमारे इन बैचेस को आपके यूपीएससी सी एस एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे अच्छी गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है यहाँ मैं आपको बता दूँ की हमारे अनुभवी टीचर्स और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ आप यूपीएससी यूपीएस प्रिपरेशन की इस रेस में सबसे आगे होंगे ये हमारा वादा है हमारी गारंटी है एक ही बैच में आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज और साथ ही

तो एक नए एस्पिरेंट के रूप में अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री शायद रिलेटिवली ईजी है वेन इट कम्स टू मिडीवल और एंशंट या आर्ट एंड कल्चर या पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला एरा क्योंकि कहीं ना कहीं वो मॉडर्न हिस्ट्री वाला चीज़ ना हमने सुनी भी है और पढ़ी भी हैं स्कूल लेवल पर और वो याद भी रह जाती है क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल और ये सब आ जाता है तो शुरुआत कहाँ से करें बिल्कुल आप बहुत ही जेनुअन सवाल पूछा है आपने जो कई एस्पिरेंट्स का डाउट रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें क्या एनशेंट से करें लेकिन एनशेंट टफ लगती है मॉडर्न रिलेटिवली आसान लगती है पढ़ने में यूरोपियंस का आगमन होता है चीज़ें जानी पहचानी लगती है डच पॉर्चुगेज फ्रेंच की बातें हो रही है जल्दी ही हम अठारह पे पहुंच जाते हैं तो वो थोड़ा जाना पहचाना इतिहास है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको वो इतिहास समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मॉडर्न से स्टार्ट मत करो अगर आपने एलेवन टवेल्थ में हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा था एलेवन ट्वेल्थ में आपने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ा है देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद मॉडर्न अदरवाइज़ मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एंशंट के साथ स्टार्ट कीजिए एनशेंट टफ है लेकिन एक सही मैंटरशिप के साथ या सही क्लासेज अगर आप कर रहे हैं सही वीडियोज़ देख रहे हैं या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं अगर सोर्स सही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो फिर आप मॉडर्न पे आइए लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एंशंट से ही स्टार्ट करो मेरा अगर सुझाव मानो तो एंशेंट से स्टार्ट करो अगर इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा है तो देन कम टू मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न की एक खास बात यह है कि प्रिलम्स में अगर समय कम बचाए मान लीजिए आप यूपीएससी प्रिल्म के छह सात महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं विच इज अ वेरी शॉर्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मी एक साल पहले कर देना चाहिए बट मान लीजिए कि प्रिलिम्स है जून या मई में और आपने अपनी तैयारी नवंबर दिसंबर में करी है और आपको अटैम्प्ट देना है एनी हाउ तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करो और सिर्फ मॉडर्न पर फोकस करो पढ़ना दूसरा भी चाहिए लेकिन अब आपके सिचुएशन में जब समय कम है तो फिर आप मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि Prelims में ऑलमोस्ट तो 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 जो, जो आप इन्वेस्ट करोगे अपना समय पर मैक्सिमम रिटर्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर मिलने वाला है लेकिन वो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिखता है उसकी नीव मिडिवल और एंशंट बनाते हैं तो केवल इमारत खड़ी करने से कुछ नहीं होगा नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है Absolutely. सर so, इसी के इसी से रिलेटेड जैसे आपने बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर सकता है बच्चा अगर वो बहुत शॉर्ट टाइम उसके पास है उसने प्रिपरेशन थोड़ा डिलेड शुरू किया है और वो चाहता है एग्जाम देना सोर्सेज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर जहाँ पर बच्चों को डाउट्स हैं क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है आई थिंक जिसमें जिसके लिए जो सोर्सेज हैं या जो बुक्स हैं या जो मटीरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स तो क्या सोर्सेज होने चाहिए आपके हिसाब से पहली बात आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इतिहास में बहुत सारी किताबें हैं प्रॉबेबली हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किताबें अवेलेबल हैं यू की तैयारी में आप देखें बिकॉज हिस्ट्री इज़ अ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट जी, uh, जी। इतिहास का इतिहास लगभग तीन हज़ार साल पुराना है जब ग्रीक हिस्टोरियंस ने हेरोडोटस ने इतिहास लिखना शुरू किया और ये जो इतिहास लिखने की परंपरा है ये इतने सालों से चली आ रही है कि इसमें लगातार कंपाइलेशन होते जा रहे हैं तो इसीलिए इसमें सोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर स्किल सेट है उसका एक लेवल है ग्रेजुएशन लेवल तक के सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी है मन हो तो बाद में कर लेना अभी मत करो अभी कुछ किताबें हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वो हमें रेफ़र करनी है तो सबसे पहला आपका सोर्स होना चाहिए एन अब देखिए यहाँ दो रास्ते हैं ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये डाउट हमेशा रहता है स्टूडेंट्स का कि क्या एन पढ़नी जरूरी है मैं कहता हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री का एच समझ में नहीं आता है तो एन पढ़ो अगर आपको हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे आपने इलेवन ट्वेल्थ तक हिस्ट्री पढ़ी है स्कूल में तो फिर आप एन नहीं पढ़ेंगे काम चल जाएगा आपका लेकिन अगर आपने हिस्ट्री दसवीं क्लास में छोड़ दी थी और नाइन टेंथ में भी आपको लगता था कि ये क्या सब्जेक्ट है मैं क्यों पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री और क्लास में सोते रहते थे और आपके बेर मिनिमम पासिंग मार्क्स आते थे स्कूल के इतिहास के पेपर में भी तो फिर आपको एन पढ़नी चाहिए जो मेहनत से आप उस समय जी चुरा रहे थे वो मेहनत आपको अब करनी पड़ेगी तो आप उठाइए सिक्स क्लास की एनसीईआरटी की किताब सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ की किताबें आप एक साथ पढ़ डालिए आई थिंक दो दिन के अंदर आप ये पांच एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री एक छोटा सा सेक्शन है इलेवेंथ और ट्वेल्थ की जो एन सी है हिस्ट्री की वो अपने आप में काफ़ी टफ अच्छी एन सी हैं उनमें काफी सारा कॉन्टेंट है जिसको आपको पढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी वो आप एक दो दिन में नहीं कर पाएंगे गिव इट सम टाइम प्रोबेबली अ वीक और मे बी टेन डेज अगर समय ज़्यादा है आपके पास और उन किताबों को पढ़िए अब यहाँ पर भी अगेन एक कंफ्यूजन है कि पुरानी वाली पढ़े या नहीं वाली मेरा यही प्रश्न था अगला सर। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ तो देखो अगर पुरानी एनसीआर पढ़ रहे हो तो फिर जो अगली किताबें मैं बताने वाला हूँ जैसे आर एस शर्मा हो गई या बिपिन चंद्रा हो गई उनको इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुरानी एनसीआर इन्हीं ऑथर्स के द्वारा लिखी गई थी आर एस शर्मा ने पुरानी एनसीआरटी में एंशियंट हिस्ट्री लिखा था बिपिन चंद्रा ने मॉडर्न हिस्ट्री वाली किताब लिखी थी और सतीश चंद्रा ने

तो इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की किताबें छाप दी और वो सेम ही उसमें मिल जाएगा आज के समय मैं रेकमेंड करता हूं कि पुरानी एनसीईआरटी मत पढ़ो आई वुड सजेस्ट की मत पढ़ो दो रीजन है मतलब हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हाँ। तक मैं भी पिछले दो साल पहले तक ये रेकमेंड करता था कि पढ़ लो पुरानी लेकिन अब मैं कहता हूं कि मत पढ़ो कारण बताता हूं एक आसानी से अवेलेबल नहीं है ठीक है हर जगह नहीं मिलती मैम आप दिल्ली में जाएंगे आपको दिल्ली में मिल जाएगी प्रॉबेबली आप प्रयागराज जैसी जगहों पर रहते हैं जो कोचिंग के हब्स हैं वहां पर आपको मिल जाएगी बट अगर आप देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं तो आपको उन्हें ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी अपने आपको परेशान मत करो गो एंड गेट द न्यू एनसीआर और न्यू एनसीआरटी में क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे टिडबिट्स ऐड किए गए हैं जो -चो� पुरानी वाली में नहीं थे जी इसीलिए मैं अब रेकमेंड करता हूँ कि आप नई एनसीआरटी खरीदिए नई वाली एनसीआरटी को पढ़िए लेटेस्ट अपडेट जो 2022 के एनसीआरटी में हुआ है वो भी आपको ध्यान में रखना है उसमें हालांकि जो कुछ चेंजेस हुए हैं वो आपको दूसरी किताबों में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे और इससे पहले कि आप सोचोगे सर एनसीआरटी में तो ये चैप्टर हटा दिया मुगल्स को हटा दिया तो वहां से हटा दिया होगा लेकिन भाई साहब यूपीएससी ये नहीं कहता है कि एनसीआरटी इज द सिलेबस यूपीएससी ने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि केवल एनसीआरटी से हम सवाल पूछेंगे हाँ

वरना मैं ये सजेस्ट करता हूँ एनसीआर टी गेट द न्यू वंस एंड गो एंड बाय द अदर बुक्स बाय द ऑथर्स ऑफ द ओल्ड एनसीआर टी तो आर एस शर्मा सतीश चंद्रा बिपिन चंद्रा जो इनकी किताबें हैं आप इनकी किताबें खरीदिए और अगर किताबें नहीं खरीदना चाहते हैं आपके पास अच्छे टीचर्स हैं अच्छे एजुकेटर हैं अगर आप मेरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आपको वो किताबें खरीदने की भी इमीडिएटली आवश्यकता नहीं है आप पहले मेरी क्लासेस को करिए उसके बाद आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं जी सर तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स के बारे में बात की जाती है एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली बच्चा यहाँ भी बहुत कंफ्यूज होता है कि हम तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स पढ़े हैं कि हम एनसीआर पढ़े तो आप क्या सजेस्ट करेंगे क्या पढ़ना चाहिए जो मैंने आपको पहले कॉम्बिनेशन बताया था तो उसमें पहला रास्ता क्या था ओल्ड पढ़ एनसीआर है हाँ. अगर आप ओल्ड पढ़ रहे हैं तो उसके बाद वो नई वाली किताबें आपको खरीदने हाँ. की जरूरत नहीं, नहीं है, है। आप लेक्चर के माध्यम से पढ़िए उस कॉम्बिनेशन में आप तमिलनाडु ऐड करो अगर आप पुरानी एनसीआर पढ़ रहे हो बट इफ यू आर रीडिंग द न्यू एनसीआर नई वाली एनसीआरटी की किताब पढ़ रहे हैं आप सीबीएसई की तो फिर उसके साथ तमिलनाडु वाली किताबें दोनों पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है आपके पास बहुत समय है दो साल तीन साल बाद आप यूपीएससी देने चाह जा रहे हो पच्चीस छब्बीस या सत्ताइस का आपका अटेम्प्टेड है अटेम्प्ट टारगेट होगा आपका तब आप उसे पढ़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा तमिलनाडु एन सी आर टी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज़ वेरी गुड आज भी है वो बहुत अच्छी किताब है लेकिन जब आप तीन सोसेस पढ़ रहे हो ना तो चौथा ऐड मत करो क्योंकि आप नोट्स या क्लास जो भी आप अटेंड कर रहे हैं वहाँ से आप पढ़ेंगे एन पढ़ेंगे फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड किताब पढ़ेंगे तो चौथा सोर्स मत करो मैक्सिमम तीन जगह से आपको काम चलाना है और ये तीन तो आपको करने पड़ेंगे अब चार में से तीन आपको सिलेक्ट करने कॉम्बिनेशन तो आपको रखना है हाँ, मेंस के लिए तमिलनाडु एनसीआरटी का एक यूएसपी बता देता हूं मेंस के लिए वो थोड़ी अच्छी रहती है कारण उसमें पैराग्राम वाइज चीजें दी गई है तो उसमें जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं आप उसको उठाकर अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो और उससे आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि वो सौ डेढ़ सौ वर्ड्स वाले जो आते हैं उस ब, वो पैराग्राफ्स तमिलनाडु एनसीईआरटी में दे आर वेरी वेरी यूजफुल एनसीईआरटी में क्या है कि भाषा बहुत ही वर्बोस होती है हाँ। बहुत लंबे लंबे, लंबे लैंग्वेजेज हैं भूमिका बहुत बनाते हैं भूमिका बहुत बहुत ज्यादा भूमिका बनाते हैं कि अठारहवीं शताब्दी में व्यापार ऐसा चल रहा था फिर अचानक से किसी राजा का मेंशन आएगा जबकि तमिलनाडु एनसीईआरटी सीधा बता देती है कि अठारहवी शताब्दी में ये राजा ने ये किया तो ये फर्क है इफ़ यू लाइक रीडिंग वो थिंग्स आपको पढ़ने का शौक है आप ये समझ जाते हैं इन चीज़ों को तो कर लीजिए आपको रेडीमेड माल चाहिए रेडीमेड मसाला चाहिए ठीक है तो रेडी टू ईट मसाले आते हैं खाना बनाने में पके पकाए मसाले हैं तो फिर आप तमिलनाडु में पढ़ लीजिए सर यहीं से एक अगला क्वेश्चन है कि प्रिलिम्स uh, की हमने बात की तैयारी कब शुरू करनी है इसकी बात हमने की आंसर राइटिंग को लेकर बहुत एप्रहेंशन है बहुत क्वेश्चन है आंसर राइटिंग आइडली हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो कब शुरू करनी चाहिए किसी बच्चे को आंसर राइटिंग आप तब करिए जब एटलीस्ट एक बार आपने सिलेबस पढ़ लिया है इसमें एक राइडर है एक स्टार मार्क कर देता हूँ नियम एवं कायदे लागू तो नियम नियम एवं शर्तें लागू तो शर्त लाग यह है।, है कि आप बीच में

क्यूज अगर आपका मेडिवल खत्म हो गया एमसी क्यू आप एमसी क्यू आपको करना ही है या मॉक टेस्ट भी आप मॉक टेस्ट या जो कंपाइलेशन बुक्स आती हैं जिनके अंदर आपको आठ हजार दस हजार सब्जेक्ट हाँ। वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उसमें जाकर मेडिवल के मॉडर्न के इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज सवाल लगाने शुरू कर, पहली पहली रीडिंग के बाद कर सकते reading, आपका एक बार कोर्स तो 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 खत्म हो चुका है उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देना है इमीडिएटली मेन्स आंसर राइटिंग कब शुरू करनी है उसमें एक बहुत बड़ा पेंच है देखिए मेन्स आंसर राइटिंग आइडियली आप सब टॉपिक जब खत्म होता है तब कर सकते हो एंशंट पढ़ा एशंट का आंसर लिखना स्टार्ट कर दो मिडीवेल पढ़ लिया मिडीवेल के मेन्स आंसर राइटिंग करनी स्टार्ट कर दो लेकिन अगर आप इमीडिएटली पढ़ाई या तैयारी शुरू कर रहे हैं मान लीजिए कि आप एक अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं कॉलेज में आपने यूपीएससी प्रिपरेशन अभी शुरू करी है लेट्स से जून 2023 में योर टारगेट इज एग्जाम ऑफ 2026 26 हुँ. में आप पेपर देना चाह रहे हो अब क्या प्रॉब्लम आएगी कि अभी आपका लिखने का तरीका आपकी वोकेबलरी

अगर आप अभी आंसर लिखने बैठे हो और आप नहीं लिख पाए तो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी जो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो अगर आप बहुत ही मोटिवेटेड स्टूडेंट है यूर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट आपको लिखना बहुत अच्छा आता है स्कूल में ऐसे में आपके बहुत अच्छे नंबर आते थे आप नेचुरली लंबे लंबे आंसर लिखने में बहुत ही अच्छे हैं कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको स्कूल के अंदर लिखने की कला होती है तो फिर आप आंसर राइटिंग अभी से कंटिन्यू कीजिए ओके okay. और अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो भी आपको अभी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करना है फॉर एन एवरेज स्टूडेंट जो ठीक ठाक आंसर लिख लेता है जी। वो कुछ समय बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करे जब उसका थोड़ा सा नॉलेज बेस डेवलप हो जाता है नॉलेज बेस से मेरा मतलब है कि आप हिस्ट्री के साथ कुछ दो तीन और जीएस के सब्जेक्ट कंप्लीट कर, कर चुके हैं हाँ। तब आपको थोड़ी क्रॉस सेक्शनल नॉलेज आ जाएगी उस क्रॉस सेक्शनल नॉलेज का इस्तेमाल आप अपने मेन्स आंसर राइटिंग में करिए फॉर समबड़ी हुकिंग एस्पिरेंट जो तीन साल की ग्रेजुएशन खत्म करके तैयारी कर रहा है उसका टारगेट एक साल बाद का एग्जाम है लेट से हाइपोथेटिकली 2023 के आप पास आउट हैं 2024 आपका टारगेटेड एग्जाम ईयर है तो आपको इमीडिएटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास गिनती के आठ महीने हैं जिसमें आप ये काम कर सकते हैं लास्ट के तीन महीने प्रिल्मस के पहले आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है अवॉइड करो उसे फोकस ऑन प्रिलम्स मोर तो अभी शुरुआत से ही आप जैसे ही आपका सब टॉपिक खत्म हो जाता है एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो गया एंशियट के आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए मॉडर्न हिस्ट्री हो गया मॉडर्न के साथ स्टार्ट कर दीजिए और आंसर राइटिंग में भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है पिछले दस साल के पेपर उठा के देखिए नॉट मोर देन टेन बीस पच्चीस साल पुराने मत उठाना कोई काम के नहीं है क्योंकि ज़्यादा चेंजेस है नहीं हिस्ट्री में अब बहुत ज़्यादा समय है। आप खाली बैठे हो हिस्ट्री में वैसे भी आप एमए कर रहे हैं तो फिर उठा के देखने तो देख लो बीस साल पच्चीस साल के मेरे अनुसार मैक्सिमम टेन ईयर इज गुड इनफ इवन फॉर प्रिलिम्स प्रलिम्स में जब आप पेपर कर रहे हो ना तो दस साल से पुराने मत जाना कारण कि पैटर्न चेंज हो गया है 2013 के पहले सवाल अलग तरह से पूछे जाते थे 2010 तक ऑप्शनल भी आता था एक का का पेपर ऑप्शनल होता था आई हाँ, थिंक 2010 या 11 तक हाँ, हाँ, तो वो वाला पैटर्न जो है उसमें मत जाना तब जीएस के पेपर अलग तरह से बनते थे आपको 2013 और उसके बाद के करने हैं तो जैसे अब दो तो हो ही गया पेपर हो चुका है तो आपको टेक्निकली टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जी तो मैं यही आपसे पूछने वाली थी पी वाई बताई दिया हिस्ट्री आपने बताया कि तो गाइडेंस किसी टीचर का सपोर्ट या गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट है क्या बच्चा खुद से पढ़ के कर सकता है या उसको चाहिए कोई मिनटो और गाइड टू सपोर्ट देखिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्टूडेंट्स खुद पढ़ सकते हैं मैं ताल टोक के कह सकता हूँ कि अगर अगर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है ऑफ ऑफकोर्स नियम एवं शर्तें लागू जैसा दुनिया में हर चीज में होता है तो एक छोटा सा स्टार मार्क करके स्टेटमेंट दे रहा हूँ हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई भी पढ़ सकता है लेकिन नियम एवं शर्तें क्या है द द डिटेल इज इन फाइन प्रिंट द डिटेल इज इन द डेविल जैसा कहा जाता है hmm. तो डेविल ये है कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा एंटरप्राइजिंग स्टूडेंट होने चाहिए तब आप सब्जेक्ट खुद से पढ़ सकते हैं डू आई मीन एंटरप्राइजिंग आपको पता होना चाहिए कि YouTube पे कहाँ से वीडियोस पढ़ने हैं हिस्ट्री के आपके अंदर ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि कहीं पर अगर 100 वीडियो हैं तो उनको बैठकर आप 50 दिन में देख लें उनके नोट्स बना लें अगर इतनी डिसिप्लिन इतना एंटरप्राइजिंग नेचर आपका है जो आपको अंदर से पता है कि आप हैं या नहीं है हर स्टूडेंट को पता होता है कि मैं कैसा स्टूडेंट हूँ मम्मी थप्पड़ मारेगी तभी पढ़ाई करता हूँ मतलब आई डोंट कंडोन एनी वायलेंस और एनीथिंग बट हाँ पता होता है कि मम्मी की डांट पड़ेगी या पिताजी का आंखें दिखाएंगे तभी पढ़ाई करूंगा वैसे वाले स्टूडेंट है तो फिर आप सेल्फ स्टडी की तरफ मत जाओ आपका टाइम वेस्ट होगा आपको लगेगा कि ये कोचिंग के सर हैं इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं नहीं मैं बहुत जेन्यूनली बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सेल्फ स्टडी टाइम वेस्ट करेगा क्योंकि अल्टीमेटली छः महीने बाद आप कहीं ना कहीं क्लासेस ज्वाइन करेंगे अगर आप बहुत मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड यू थिंक यू कैन कवर हिस्ट्री तो फिर हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी से लेकिन पेज कहाँ फंसेगा सारा मामला आकर अटकेगा अंडरस्टैंडिंग पे जब डाउट्स आएंगे आपको डाउट आया एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अब पानीपत की लड़ाई है वो हर किताब में लिखी हुई है कि इसने इससे लड़ी बाबर की आ, हाँ। इब्राहिम लोदी से हुई ये हार गया इसका सर काट दिया हेमू ने ये कर दिया हेमू को काट के लटका दिया गया किले के ऊपर बड़ी मनोहर कहानियां लगती है पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है यूपीएससी क्या पूछेगा आपसे यूपीएससी पूछेगा कि पानीपत की लड़ाई पानीपत में क्यों हुई थी तीन लड़ाया मिडिवल हिस्ट्री की ऐसी क्यों है जो पानीपत में होती है इज द रीजन मराठास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारे क्यों इब्राहिम लोदी क्यों हारा ये चीजें आपको किसी किताब में ज्यादा डिटेल में नहीं मिलती हैं। नहीं मिल जाएंगी तो कुछ रीजन तो ऑफकोर्स लिखे हुए मिल जाएंगे यूपीएससी लेवल की किताबें पढ़ोगे आ, तो आ, मिल जाएंगे आ, पर जैसा यूपीएससी को आंसर चाहिए पॉइंट फॉर्मेट में वो आपको एक टीचर बता सकता है वो दुनिया की कोई किताब नहीं बता सकती जी तो इसीलिए हिस्ट्री टीचर से पढ़ोगे तो दो फायदे रहेंगे नंबर वन टीचर से पढ़ने का फायदा आपको बता देता हूँ इंसान का जो दिमाग है Yes. इट तो सिर्फ स्टिमुलेशन हो रहा है हुँ, जब हुँ. आप टीचर से सुन रहे हैं, तो ऑडियो स्टिमुल तीसरा इसके अंदर कुछ एनिमेशन दिखा दिया कुछ वीडियोस दिखा दिए स्टूडेंट को तो और ज्यादा उसको स्टिमुलेशन हो जाता है उसके कारण तो आप कभी नहीं बोलेंगे तो इसीलिए कहते ना कि क्रिकेट कोई भी लड़का यूट्यूब पे देखकर नहीं सीख सकता आप स्विमिंग के आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे बट यू कैन नॉट नो तो हाउ टू स्विम अगर आप केवल यूट्यूब देख रहे हो उसके लिए आपको कूदना पड़ेगा स्विमिंग पूल में आपको पे होना क्लासरूम आपका स्विमिंग पूल है जहां आप दूसरे बच्चों के साथ डाल दिए जाते हो जब मैं आपको बोलूंगा की आंसर लिख के मेरे को अभी बताओ कि पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही क्यों होती है तब आपको है ना डर लगेगा की मुझे आंसर नहीं आता इसको आता है तब आपका दिमाग चलेगा तब आप वो स्टिमुलेट हो गए उस पढ़ाई के लिए वो मोटिवेशन आपको अंदर से मिलेगा कि मुझे इसका आंसर जानना है तो यहाँ पर एक टीचर का एक मेंटोर का बहुत बड़ा रोल है तो जो हमारा अभी पाथ फाइंडर अग्निपथ बैच आ रहा है उसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ और प्रीवियसली भी जो भी मैचेस हैं जिनमें मैंने हिस्ट्री पढ़ाई उसमें मेरा यही तरीका रहता है कि स्टूडेंट्स को सवाल भी पूछते रहें कोर्स तो कराना ही है कोर्स कराने के साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ इस तरह के सवाल हम पूछते रहते हैं ओके okay, और ये सवाल जब आप साथ साथ में लिखते हैं जब आप क्लास के साथ में इनको लिखना स्टार्ट कर देते हो तो यही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है दिस इज़ दी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो आपको स्टार्ट करनी है ये आपके रणजी मैचेस हैं जिसमें आपकी तैयारी करवाई जा रही है फाइनल इंटरनेशनल मैच के लिए तो सेल्फ स्टडी इज़ डूएबल बट बट विध अ लॉट ऑफ राइटर्स विद अ लॉट ऑफ एस्ट्रिक्स मार्क्स बहुत सारे नियम हैं वो शर्तें लागू हैं अगर ये सब नहीं कर सकते तो टीचर की गाइडेंस में आ जाओ टीचर की शरण में आ जाओ और वहाँ पर आपका एक डिसिप्लिन के साथ एक शेड्यूल के साथ पूरा कोर्स पूरा हो जाता है एंड आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस मिल जाती है जी तो जैसे आपने बताया अग्निपत बैच में आप पढ़ा रहे हैं सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे आप तो क्या आपकी अप्रोच रहेगी मतलब आप कैसे इसको कवर कराएँगे तो देखिए मैम मैं, मैं स्टार्ट करता हूँ एंशियंट हिस्ट्री से एंशियंट हिस्ट्री देन मिडीवल देन मॉडर्न देन पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं जी तो ये हमारा तरीका रहता है पढ़ाने का जी अब वर्ल्ड हिस्ट्री तो है वो कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं आप चाहे तो उसे बहुत बाद में भी पढ़ सकते हैं लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो मेन्स का टॉपिक है वो प्रिलिम्स में इतना नहीं पूछा जाता लेकिन उसका रिलेवेंस प्रिलिम्स में इसलिए आ गया है आजकल क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स के कई सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ रहे हैं तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि क्राइमियन वॉर क्या था या क्राइमियन युद्ध कब हुआ था तो हो सकता है कि आप रशिया यूक्रेन वाला क्योंकि उसी एरिया में लड़ाई हो रही है तो वो सवाल आप हल कर पाएंगे आ, तो बैकग्राउंड आपको आपको पता आपको पता होगा ऑलरेडी जैसे होना चाहिए कि भाई यूके और रशिया आज से डेढ़ सौ साल पहले भी लड़ रहे थे और वो यूपीएससी घुमा के सवाल इंटरकनेक्ट करके ऐसे ही पूछ रही है कि पहले लड़ाई क्राइमिया में हुई थी तो कौन से पावर्स आपस में लड़ रहे थे ऑटोमन एम्पायर किसके साथ था यूके किसके साथ था कौन किसके साथ लड़ाई लड़ा तो इस तरह के सवाल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर अभी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में तो इसीलिए थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज भी ज़रूरी है बट एट दी एंड जब आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लो तब वर्ल्ड हिस्ट्री हमें जानना जरूरी है तो मेरा ये अप्रोच रहता है क्लासेस को लेकर मैं पढ़ाता जैसा मैं पढ़ाता आया हूँ वैसा ही पढ़ाता हूँ और हिस्ट्री में मेरी जो स्ट्रैटेजी है पढ़ाने की वो ये है कि कहानी के रूप में हिस्ट्री बच्चों को बताई जाए ताकि जब भी आज से तीन साल बाद भी वो स्टूडेंट एग्जाम में बैठा है ना तो उसे घटनाक्रम याद आ जाए तो फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन से लेकर नाइनटीन के बीच में भारत के इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई right. अब पहले क्या हुआ जिन्नास 14 पॉइंट्स या नेहरू रिपोर्ट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनका क्रोनोलॉजी का सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा अगर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़े हैं ये मेरी गारंटी है ठीक है ऐसी मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि अगर आपने मुझसे हिस्ट्री में ये वाले टॉपिक्स पढ़े हैं तो आप कभी क्रोनोलॉजी के सवाल गलत नहीं करोगे तो ये चीज कहानी के रूप में हिस्ट्री को पढ़ाना क्रोनोलॉजी घटनाक्रम हमेशा सही तरीके से बताना ये मेरा फोकस रहता है और जो डिटेल्स हैं कि लड़ाई किस साल में हुई वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि फोर्टीन सेंचुरी में क्या हुआ है एटीन सेंचुरी में क्या हुआ ये फ्रेमवर्क फिल इन द ब्लैंक ऑटोमेटिकली हो जाएगा इफ यू इफ यू नो द लार्जर स्टोरी एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं जैसे आप सबने बचपन में कोई ना कोई फिल्म देखी होगी ठीक है मान लीजिए एक फिल्म है दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान की बड़ी फेमस फिल्म है तो डी डी एल जे आपने देखी होगी आज मैं आपसे पूछूं कि उसकी कहानी बता दो आप सब उसकी कहानी बता दोगे हाँ। कि पहले शाहरुख खान फेल हो जाता है फिर वो अपने पापा से बोलता है मुझे यूरोप घूमने जाना है काजोल अपने पापा वो बोलती है कि मुझे भी घूमने जाना है दोनों ट्रेन में टकराते हैं फिर पंजाब में कहानी ऐसी ऐसे होती है सो यू नो द लार्जर फ्रेमवर्क और वो क्यों याद है आपने फिल्म देखी होगी पांच साल दस साल पहले फिर भी आपको याद होगा हाँ माइनर हाँ, डिटेल थोड़ा वो हो सकता है कि कहा किस शहर में घूमने गए वो हाँ। है भी नहीं राइट। पर अगर आप आज फिल्म देखोगे तो आपको वो भी याद हो जाएगा रिवाइज करने पर कि अच्छा ये शहर है वो लंडन है ये पंजाब है हाँ। ये ट्रेन वाला है हाँ। लेकिन आपको एक फ्रेमवर्क तो याद है है पता तो फ्रेमवर्क क्यों याद है क्योंकि यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन इट तो मैं हिस्ट्री को बिल्कुल आपके लिए डी डी बना दूंगा कि आप इतना इंटरेस्टेड हो जाएं कि आपको पूरी कहानी पता रहे की कौन यूरोप पहले गया कौन पानीपत कब गया और इस तरह की कहानी आपको दस साल बाद भी आप अगर बैठकर याद करोगे तो मुझे याद कर लोगे कि महिपाल सर ने पढ़ाया था और याद है सो so, दोस्तों अगर अभी तक आपने कोई ऐसा सोर्स नहीं स्टार्ट किया है आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया आप नए एस्पिरेंट हैं पाथ फेंडर की पूरी टीम आपके लिए सबसे ज्यादा इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स लेकर आ रहा है अग्निपथ बैच के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है अभी जाकर एनरोल कर सकते हैं आप जहां पर महिपाल सर आपको बता ही रहे हैं कि हिस्ट्री को आपके लिए डिटेल जो बना देंगे इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे सो सर यहां पर एक और आई थिंक विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर मी करंट अफेयर्स अब ये जो बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है इतिहास नहीं बदलता hmm. तो ऐसे में बच्चे का डाउट कन्फ्यूजन ये है कि करंट को कैसे जोड़े कैसे मतलब करंट का इतना रेलिवेंस है तो हिस्ट्री करंट कैसे करंट अफेयर्स में हिस्ट्री में दो चीजें पूछी जाती है कि कोई भी आर्ट एंड कल्चर का फॉर्म जो न्यूज़ में रहा रिसेंटली अब वैसे न्यूज़ में छोटी छोटी चीजें तो आती रहती है कि आज यहाँ ये सेलिब्रेशन हुआ आज वहाँ वो सेलिब्रेशन हुआ तो लोकल रीजनल न्यूज़ को छोड़ दीजिए हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस में अगर कोई आर्टिकल आ रहा है मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो जाता है लेट से कि छाउ डांस को लेकर कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है बाहर के किसी देश में या सरकार उसको बहुत प्रमोट कर रही है कोई नई स्कीम लेकर आ गई है उसके लिए तो वो उस तरह के आर्ट एंड कल्चर की चीजें हमारे लिए रिलेवेंट हो गई पढ़ना तो हमें वैसे भी है लेकिन अब वो न्यूज में है तो थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे हाँ, जैसे बीहू में अभी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ बीहू का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनाया मोदी जी वहाँ गए थे तो बीहू के बारे में देख लो थोड़ी और जानकारी ले इन्फॉर्मेशन ले लीजिए ऐसे सोर्स इकट्ठे करके राइट और दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है कि प्लेसेस कौन सी न्यूज में है फॉर एग्जाम्पल okay. अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जिसे मिला है रुद्रप्पा टेम्पल okay. जो तेलंगाना में स्थित है right. तो उसके बारे में आप पढ़ लो कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए अप्लाई कर रहा है टेंटेटिव लिस्ट में कौन कौन सी साइट है इस तरह के सवाल आते हैं यूपीएससी इससे ज्यादा डिटेल नहीं पूछता है यही है करंट अफेयर हिस्ट्री का okay. तो ये भी हम पढ़ा देते हैं ये हम यूट्यूब पे और या फिर अन की स्पेशल क्लासेस में पिछले साल मैंने इसका कोर्स लिया था तीन लेक्चर में पढ़ा दिया था इस बार भी उसको पढ़ा दिया है तो ये जो तरीका है आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है हाँ कंपाइलेशन लास्ट के समय में एग्जाम के पहले देख लेना कि एक साल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं दे आर मोर लाइक प्लेसेस इन न्यूज़ और हिस्टोरिकल साइट्स इन न्यूज़ उस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है सो आई थिंक सर मैंने जो भी डाउट एक एस्परेंट के दिमाग में हो सकते हैं शायद मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया इसके अलावा आपको अगर कुछ लगता है कुछ ऐसी चीज जो जो मिस आउट हो गई है है आपको लगता है, मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने शुरुआत में जब सोर्सेज पूछे थे तो मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था और मैंने आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के सोर्सेज नहीं बताए थे <laughs> अभी बता देता हूँ सुन लो <laughs> तो वैसे एनसीआर वाला पूरा बता दिया एनशियट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की किताब है दैट्स अ गुड बुक ठीक है रोमिला था पर मत पढ़ना बहुत ज्यादा डिटेल्ड है और इतना यूपीएससी पूछता नहीं है मतलब वो जो एमए वगैरह कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है आर एस शर्मा इज गुड फॉर यूपीएससी ठीक है एनशियंट हिस्ट्री वहां से हो गई एनसीआर प्लस आर एस शर्मा सेकेंड मिडिवल हिस्ट्री उसमें तो मैं कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो सीधा सीधा सतीश चंद्रा की जो किताब आती है सिंगल वाली किताब हाँ. सतीश चंद्रा की तीन किताबें आती है मिडिवल हिस्ट्री की एक आती है ऑप्शनल के लिए जो पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइडेड है जिसमें सल्तनत और मुगल काल अलग, अलग अलग है हुँ. वो मत पढ़ो एक कंबाइंड किताब आती है सतीश चंद्रा की वो पढ़ लो उसमें दोनों जुड़े हुए हैं जी तीसरा वो उन्होंने निकाली यू, यूपीएससी एसपेरेंट्स के लिए निकाली थी वो किताब

तो एक बार आपको एनसीआरटी और कहीं से क्लासेस करनी जरूरी है आपके दिमाग में वो फ्रेमवर्क कहानी पूरी तैयार होनी चाहिए तब आप स्पेक्ट्रम को पढ़ोगे आपको मजा आएगा स्पेक्ट्रम अगर आपने डे वन पे उठा ली सेल्फ प्रिपरेशन जो कर रहा है उसके लिए खास करके बता रहा हूँ डे वन पे स्पेक्ट्रम उठा के पढ़ोगे बोर हो जाओगे किताब को साइड में रख दोगे क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा जानकारियां दी गई है इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं कि आपका जो सर है बल्कि भी है और वो बल्कि होती जा रही है पिछले आठ साल में उसके उसमें पेजेज होते जा रहे हैं पता नहीं कौन कौन से संगठन जो मैंने भी नहीं सुने थे वो भी उसके अंदर जोड़ दिए गए हैं क्योंकि यूपीएससी पूछ रहा है अब यूपीएससी ने चार संगठन पूछे तो वो पंद्रह ऐड कर दिए उन्होंने हाँ। तो वो गलत नहीं है वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं स्पेक्ट्रम के जो राइटर्स हैं तो आप स्पेक्ट्रम को पढ़ो जब आपने सब कुछ एक बार कवर कर लिया है आपने लेक्चर्स देख लिए हैं आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया देन गो फॉर स्पेक्ट्रम अगर कहानी के हिसाब से पढ़ना है तो फिर गो फॉर विपिन चंद्रा दैट इज स्टिल द गो टू बुक अकॉर्डिंग टू मी तो विपिन चंद्रा की भी वो मोटी मोटी दो किताबें मत पढ़ना वो जो सिंगल एक पतली वाली किताब आती है जिसका रेड कलर का कवर है मरून वाला वो आपको पढ़नी है वो पढ़ लो उससे काम हो जाएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए डोंट रीड एनी बुक आई वुड से जस्ट गो एंड ज्वाइन माई लेक्चर्स मेरी क्लासेस कर लो पोस्ट इंडिपेंडेंस की मैंने स्पेशल पे भी पढ़ा रखा है पाथ फाइंडर के कोर्स में अग्निपथ बैच में भी पढ़ाऊंगा वहां से पढ़ लो अगेन आपको लगेगा कि सर अपने बैच की बात कर रहे हैं लेकिन हाँ जब है काम की बात तो बताऊंगा टाइम वेस्ट होगा दूसरी किताबें इधर उधर से पढ़ोगे उसमें गिनती के चौदह पंद्रह लेक्चर्स होते हैं वो आपको देखने हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस वहां से हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर के अंदर नितिन सिंगानिया जी की जो किताब है दैट इज़ गुड इनफ उसके अलावा जो फाइन आर्ट्स की एन दैट इज ऑल्सो गुड उसको कवर करते हो तो जहां तक वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है अगेन डोंट गो फॉर एनी बुक जस्ट वॉच माई लेक्चर्स मैंने जो टॉपिक्स कवर कर रखे हैं उनसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा हो जाएगा तो आई थिंक सर ये बहुत ही बहुत ही इंसाइटफुल ये हमारा सेशन रहा सर के साथ मुझे लगता है इतना डिटेल में हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है कहाँ से करनी है आपने शायद इतना डिटेल में नहीं समझा होगा और बहुत ही आ, अच्छे तरीके से सर ने आपको समझाया दोस्तों इस तरह की और हमारे सेशंस से हैं जहाँ पर हमने मैंने पहले भी आपको शुरुआत में बताया सीरीज़ ऑफ़ सेशंस हैं जहाँ पर हमने इंडिविजुअल एजुकेटर्स के साथ डिस्कस किया है सब्जेक्ट्स को स्पेसिफ़िकली आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन जो आपकी क्वेरीज कॉमेंट सेक्शन में आती हैं उनसे लेकर उनको लेकर अब भी अगर आपको कोई डाउट से कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं सर कहाँ पर बच्चे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ी कॉमेंट सेक्शन इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर लीजिए कोई डाउट है आपको हिस्ट्री के अंदर तो उसका आंसर मैं दे दूंगा आपको जस्ट कॉमेंट बिलो और अगर बहुत सारे लाइक्स उसमें आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कमेंट ऊपर आ जाएगा इसके अलावा आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं या फिर अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर अगर आप क्लासेस में जुड़े हैं तो वहाँ पर भी अपने डाउट पूछ लीजिए आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे अगर मोस्टली इस वीडियो के नीचे ही कमेंट करोगे तो बेटर रहेगा विल विल आंसर ऑल ऑल क्वेरीज बिलो वीडियो सो दैट बी फ्रॉम माय साइड आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा डोंट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा हो सकता है कुछ ऐसे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो कन्फ्यूज हैं कि तैयारी कहाँ से करनी है कैसे करनी है दैट विल बी ऑल थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस